इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कुणाल पांड्या का एक सपना है। वो अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओर से खेलना चाहते हैं। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाना है। फिलहाल कुणाल की टीम में जगह नजर नहीं आ रही है। युवराज सिंह ने वापसी के बाद से कुछ शानदार पारियां खेली है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी साफ नजर आ रही है। युवी अगर 2019 वर्ल्ड कप तक खेलते रहते हैं तो कुणाल का सपना पूरा हो पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। युवी खुद भी कह चुके हैं कि 2019 वर्ल्ड कप तक खेलना उनका सपना है। ऐसे में कुणाल के लिए टीम में जगह बना पाना मुश्किल साबित हो सकता है। कुणाल ने दक्षिण अफ्रीका में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चयन के बाद कहा, मेरा लक्ष्य यहां महज कुछ मैचों के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना ही नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खेलना है। अगर मैं और हार्दिक के साथ में 2019 वर्ल्ड कप में खेल पाया तो ये सपने के साकार होने जैसा होगा, लेकिन इस समय ध्यान इंडिया ए टीम के लिए अच्छा करने पर लगा है। हार्दिक ने इंडिया ए में कुणाल के सिलेक्शन के बाद अपने बड़े भाई को फोन के जरिए बधाई दी। कुणाल ने कहा, हार्दिक बहुत खुश था, उसने मुझे फोन करके कहा कि तुम गरीब पहुंच रहे हो। भारत के लिए खेलने के बाद उसे शीर्ष स्तर के क्रिकेट की थोड़ी जानकारी है और मैं बारीकियों पर हमेशा उससे चर्चा करता हूँ। अपने भाई से करीबी कोई और नहीं हो सकता। इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।